अपना पतला लेने। महाकाल का वरदान है मुझे, और अब उसी महाकाल की कसम, मैं उन लड़कों का काल बनूंगी, उन सबकी मौत, उन सबकी मौत, सबकी मौत। पीछे होटल ग्रीन एमरेट पैलेस है, जहां जश्न का माहौल है, और हो भी क्यों ना, मुंबई के बिजनेस टाइकून एंडी सहगल की बेटों की शादी जो है। सहगल बोल। अरे यार तू हद करता है यार, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तू वापस उसी मंदिर उसी हवेली वाली जगह पे जा रहा, भूल गया क्या 6 महीने पहले वहाँ क्या हुआ था? तुझे अपने बेटों की शादी के लिए कोई और होटल नहीं मिला क्या? नहीं शेखर, इतना बड़ा और आलीशान होटल मुझे और कहीं नहीं मिला। प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ओके बड़ा शेखर, उस शादी के वेन्यू के बिल्कुल सामने हमारी जमीन है, वहाँ एक नजर मार के आएंगे। वी हैव टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन वेरी सून। लेकिन यार वहाँ तो इच्छाधारी नागिन। ओ यार ये बीन बजाना बंद कर यार। लिसन, मैं ऐसे बहुत टेंशन में हूँ, मेरे दो दो बेटों की शादी है, मेरी दोनों बीवियां होने वाली है, और पूरी मीडिया वहाँ ऑलरेडी पहुंच चुकी है। सो प्लीज डोंट गिव मी एनी मोर टेंशन, ओके? जस्ट रीच दैट सूट। सोर्सेस की माने तो होटल के सामने कंस्ट्रक्शन का काम 6 महीने से रुका हुआ है, जो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। सो लेट्स वेलकम सहगल फैमिली। आप कैसा फील कर रहे हैं? आप अपने शादी का मंडप अपने हाफ ब्रदर के साथ शेयर कर रहे हैं। प्रथम इज माय ब्रदर, हाफ या सोतेल, दैट डजंट रियली मैटर, लेट्स गो। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं थैंक यू। सर सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, बताइए कुछ, बताइए सर। मैंने घुसण मार के नाक तोड़ दी, फिर से बकवास करी तो। अरे दारू नहीं, 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 आज शादी के दिन नहीं, वो सुहानी से प्रॉमिस किया मैंने कि तो उसकी बीवी बन के रहे। अबे कितना डरता है तू सुहानी से यार? नहीं नहीं डरता नहीं हूँ, प्यार करता हूँ। अरे मेरे परम पूज्य श्री जी जाजी, एक सिप से कुछ नहीं होता यार। और सुनो, अपनी बहन को भी नहीं बताऊंगा। साले साहब आप घटक लो इसे। अरे बुल्टू क्या हो भाई? जब तक कुछ हो नहीं जाएगा ना तो लोग किसी को समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा था ना उस हवेली और उस मंदिर के आसपास भी नहीं आना है। अरे शट अप यार बुल्टू यार, ए इसके मुंह में बॉटल डाल लिया दूध या दारू? बुल्टू चल यार इससे कम। अबे हां घबरा रहा यार यू विल। हां तुम्हारे पेरेंट्स भी आ गए। रियली? गेस्ट का आना शुरू हो गया है। एंडी सहगल की बेटी कुहू भी अपने हैंडसम डैशिंग आरजे के साथ यहाँ पहुँच गई है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। ऑफ कोर्स पौलमी रॉय इस फंक्शन को कैसे मिस कर सकती थी, आखिर प्रथम उनके और एंडी सहगल के ही तो बेटे हैं। और ये रहे एंडी सहगल, इस देश के जाने माने बिजनेसमैन, उनकी पहली पत्नी और युवराज की माँ यानी सुमित्रा सहगल के साथ एंडी के दोनों बेटों की एक ही मंडप में शादी हो रही है, और उनकी माँ तो एक दूसरे से बात भी नहीं करती। अरे पोलो ऐसे क्यों चल रही है, दूसरा जूता कहाँ है? जूता नहीं सैंडल, और वो भी एक ही। पर क्यों? क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर एंडी मेरे प्रथम की शादी में आ गए ना तो मैं पूरा दिन नंगे पांव घूमूंगी। हाँ मैडम पर ये नंगे पैर कहाँ है? तो एंडी भी कौन सा अकेला आया है, वो सुमित्रा आई है ना उसके साथ। मन्नत आधी है, थैंक यू भी आधा ही होगा। I'm feeling great. मैं दोनों बेटों की शादी है, इससे अच्छी फीलिंग हो ही नहीं सकती। सर पर अभी तक आपकी मिस पॉलमी से ऑफिशियली शादी नहीं हुई है। तो क्या करूं, अपने लिए मंडप लगवा दूं? मैं पॉलमी को तब मिला था जब इनके हालात ठीक नहीं थे, मैंने इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, और देखते ही देखते ये सपोर्ट साथ में बदल गया, नतीजा आदि और प्रथम। सो व्हाट्स द बिग डील? सो सुमित्रा मैम इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम प्लीज मैम सर आप एक्सक्यूज मी
सर, प्लीज। शेखर, ये प्रेस वाले पागल है क्या? जब देखो मुझसे एक ही सवाल पूछते रहते हैं कि मैंने पॉलोमी के साथ शादी क्यों नहीं की। अरे यार, इंसान हूँ यार, ऐसा होता है। मैंने सुमित्रा के साथ शादी इसलिए की क्योंकि वो पैसे वाली थी, और जब मैं पैसे वाला बना तो उसे अपने साथ रखा जिसे अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन मैंने सुमित्रा को छोड़ा नहीं। समझ में नहीं आता इन औरतों का प्रॉब्लम क्या, मैं तो बस दोनों को खुश रखना चाहता हूँ। अरे यार, दोनों साथ चल रहे हो ना? या एक्सक्यूज मी जान, इत रुको। ये तुम्हारे पाँव को क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चल रही हो? तुम्हारी वजह से। व्हाट? मोनत है, मजाक कर रही हूँ। अच्छा सुनो ना जान, इतना बड़ा होटल है, पता नहीं मेरा रूम कहाँ पे होगा, तुम प्लीज मुझे छोड़ दो। चल एंडी, तुम्हें याद है ना आज का फंक्शन सिर्फ हमारा नहीं लड़की वालों का भी है, और वो बस आते ही होंगे, और जब वो यहाँ आए, यहाँ भीड़ होना हो, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है, चलो जान। I'm sorry, मेरी बीवी यहाँ पर है, I can't come। शादी सिर्फ उसके बेटे की नहीं हो रही है, तुम्हारे बेटे की भी हो रही है, मतलब मेरे बेटे की भी हो रही है, और वो तुम्हारा बेटा है। हाँ, वो बात अलग है कि तुमने कभी अपने बेटों को बेटा समझा ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने उन बच्चों को अपना नाम दिया है, लेकिन अगर तुम सोचती हो कि मैं उनके नाम अपना सब कुछ कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो भी जायदाद है मेरी, ये बिजनेस है ना, ये मेरा नहीं है। मैंने अपने बल पर खड़ा नहीं किया, मैंने सुमित्रा के बाप के बल पर खड़ा किया है, उनसे पैसे लेकर। इसलिए मेरा सब कुछ मेरे लीगल बच्चों के नाम जाने वाला है, यूवी और माहिर। I'm sorry, मैं तुम्हारे बेटों के नाम कुछ नहीं रख सकता। I'm sorry. एंडी, चुप, मुंह बंद कर, चुप। क्या चुप चुप? हाँ, क्या है? तू कैसे मैनेज कर दी इस एंडी के सारे टेंट्रम्स? हाँ, और तुझे सच में डर नहीं लगता? अगर तेरे बेटों के हाथ कुछ नहीं आया तो? हाँ, और वैसे भी इस घर में सब कुछ सुमित्रा देवी का ही तो है ना? इनफैक्ट तेरा एंडी भी, राइट? एंडी से मेरे दो बेटे हैं, वो तो सुमित्रा के भी है और उसकी दो बेटी भी है, और सुम्मी अपना सारा पैसा अपने बच्चों को ही देगी, है ना? इसीलिए तो एंडी उसके आगे पीछे दुमिलाता रहता है, तेरे डॉगी की तरह। चुप, दोनों शट अप, पकड़ इसे। इस पे क्यों गुस्सा निकालना है? वो देख आ गई तेरी समधी जी, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तुझे चुप करा दे। अरे मुंशी जी, इश, अब तो आप समधी बन गए। वैसे आपकी तो लॉटरी लग गई, पहले आप सुमित्रा के साथ आ गए थे दहेज में, मुफ्त में, और अब आपकी बेटी आ रही है दुल्हन बन के इस घर में, मुफ्त में। शुक्र मनाइए कि सुमित्रा बहन की होने वाली बहू ने जिद की, नहीं तो मैं अपनी बेटी सुहानी की शादी आपके बेटे प्रथम से कभी नहीं होने देता। मैं आपसे फंक्शन में मिलता हूँ। सारा वक्त चिपकी रहती है। अरे यार, ये यहाँ पे डिलीवर कर गया। Come on, come on. ये तूने मंगाया यूवी? मॉम, ये कोई सांप वाप नहीं, जस्ट अ स्टोन। मेरी तो जान ही निकल गई थी। वैसे भी यहाँ 6 महीने पहले जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ कुछ भी हो सकता है। मॉम, रिलैक्स रिलैक्स। ओके, आई विल शो यू समथिंग। देखो, इसके ना सिर्फ बॉर्डर पे गेट ऑन यू वी, गुड वन मॉम, आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। ये मैंने बेला के लिए मंगाया। हेलो, किथे गई ये लड़की? हाँ पापा, यहाँ। अरे यहाँ मतलब कहाँ? ये देखो। ओए, यहाँ क्या कर रही है तू? बेड के नीचे। बेड के नीचे क्या कर रही हो? आ।
पापा आपको पता है इस बेड के नीचे कितनी गंदगी है? अरे वो तो ना मेरी चूड़ियां अंदर जाती और ना होटल वालों की सच्चाई बाहर आती, पर आपको तो पता ही है ना पापा कि मुझे गंदगी से कितनी ज्यादा चिढ़ है। और मुझे तुम्हारी इस आदत से। वो क्या कहती है तुम्हारी सहेली इस आदत को? पीसीओ। क्या कहती है पापा? पीसीओ। पीसीओ? नहीं, ओसीडी। हाँ वही वही। ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव? कंपल्सिव। कंपल्सिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जो भी है। अच्छा गल सुन, तू ना होटल के नीचे जो गिफ्ट शॉप है ना वहाँ से कुछ ढंग का खरीद ले अपने लिए, साड़ी या वो लंबा लंबा सा बड़े बड़े घर की औरतें पहनती है। सब पता है आपको? गाउन 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 गाउन। देखो बेटा, लड़के वालों ने आज शाम भी यहाँ पार्टी रखी है, तुम्हें ढंग से तैयार होके जाना पड़ेगा। एक तो इतने बड़े घर में शादी हो रही है तुम्हारी, मेरा जी घबरा रहा है। आप इधर बैठिए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? राइट? इस दुनिया में मेरी सबसे ज्यादा परवाह कौन करता है? मैं। और इस दुनिया में मुझ पे सबसे ज्यादा यकीन कौन करता है? मैं। तो बस मैं उसी प्यार, परवाह और भरोसे की कसम खा के कहती हूँ, ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है। पर तेरी मर्जी की वजह भी तो मेरी मजबूरी ही है। तो अगर मैं हाँ कर दूं तो सहगल अंकल आपका पूरा कर्जा माफ कर देंगे? हाँ, उन्होंने मुंशी जी से तो यही कहलवाया है कि अगर ये शादी हो जाए तो वो सारा कर्जा माफ कर देंगे। मैं तैयार हूँ पापा। यस पापा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और वैसे भी आप ही कहते हैं ना, लाइफ में हमेशा उसे चुनना चाहिए जो तुम्हें चुने। यूवी जी ने मुझे चुना, मैंने हाँ कर दी। तू बातें मत बना। बातें नहीं बना रही हूँ पापा, जो फील कर रही हूँ वही कह रही हूँ आपसे। पापा आपको पता है ना हाउ मच आई लव यू। पापा अगर मेरे शादी करने से आपका कर्ज उतरता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ऐसे आप चाहिए यहां से? मैं अभी तैयार भी नहीं हुई हूं। तुम तैयार हो तो सही, सब कुछ तो पहन लिया, बस ये दुपट्टा मत लेना, तुम इसके बिना ज्यादा खूबसूरत लगोगी। आप जाइए यहाँ से। देखिए मुझे तैयार हो। I can't wait now. 6 महीने से वेट कर रहा हूँ इस दिन का, तुम्हारे साथ शादी होने का। तो ठीक है ना, थोड़े दिन और वेट कर लीजिए। थोड़े दिन और वेट कर लीजिए? You know what, Bella? तुम ना एक कैरेक्टर हो, अगर ये बातें मैंने किसी और लड़की को बोली होती तो बिना सोचे समझे चुपचाप बिना शर्माए मेरे पास आ जाती। गिफ्ट तुम्हारे लिए। शादी के बाद हम यहां से चले जाएंगे। चले जाएंगे? क्यों? I don't like this city at all. और वैसे भी डैड ने जिद की थी कि यहाँ पे शादी करनी है, वरना तो मैं शादी बाहर ही रखता। लेकिन ऐसा क्यों? I mean, कुछ हुआ? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? छुपा रहा हूँ। बेला? Sorry. I'm really sorry. Suhani, what are you doing here? ये ब्राइड का रूम है, वो मेरे साथ रूम शेयर कर रही है। बेटा ये शेयरिंग रूम? मैंने होटल वालों को बोला था कि तुम्हें प्राइवेट रूम दे। वो होटल वालों ने कहा कि दोनों ब्राइडल रूम्स बुक थे, किसी विश खन्ना ने बुक किया था, पता नहीं। वो एक आदमी एक साथ दो शादियां कर रहा है, एंड हु द हेल इज विश खन्ना? श्योर बहुत ही अमीर आदमी होगा, देखिए ना बहुत सारे कमरे बुक करवाए हैं। नॉट डन। युवराज सहगल की शादी हो रही है और उसकी वाइफ के लिए प्राइवेट रूम नहीं है? आई विल सॉर्ट दिस आउट। बेला, तू सच में शादी करना चाहती है या फिर इसीलिए करी क्योंकि मेरी शादी के लिए नाना हो जाए? तू खुश है ना इस शादी से? मुझे पता नहीं,
तो क्यों कर रही है? क्योंकि सुहानी जी, मुझे ना अमीर बनना है, यू नो, पैसे वाली बहू, समझी? अगली पागल कुछ भी बोलती है, मैं पागल गई। रियली जो तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग है ना, मुझसे भी बड़ा पागल है। अच्छा, वैसे है कहाँ वो पागल? यू बहन, अचानक से हम सबको क्यों बुला लिया? क्योंकि मुझे जानना है, हु द हेल इज विश खन्ना? कौन है वो? सर, विश खन्ना इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर। शट अप, इन्वेस्टर माय फुट। मुझे मेरी होने वाली वाइफ के लिए इस होटल का सबसे बड़ा रूम चाहिए। डू यू गेट दैट? विश खन्ना की सारी बुकिंग कैंसिल करो राइट नाउ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सर, पर ऐसे कैसे? हेलो, ग्रीन एमरल्ड पैलेस, गुड इवनिंग। क्या विश खन्ना इज हियर? चलो अच्छा है, अब मिलके उसको उसकी औकात दिखाता हूँ। अरे यू भाई, जस्ट रिलैक्स, लिसन टू मी। चुप। अरे भाई, विश खन्ना से क्या बात करोगे? देखता रहे, एक बार उस विश को आने तो दे। डूड, ये तो सच में बहुत बड़ा आदमी है यार, तेरे डैड से भी ज्यादा। सिर्फ बात करना, हाथ वात मत चलाना प्लीज। यो विहात क्या लात भी चलाएगा, एक बार उस विश को आने तो दे। अरे भाई, आप बात तो सुन। पूरा होटल मेरे वेलकम के लिए खड़ा है। हिया, मेरे रूम में पहुंचा देना। एक्सक्यूज मी, आई एम यूवी, नॉट द होटल स्टाफ। तो फिर यहां क्यों खड़े हो? लड़की ताड़ने के लिए? अब कुछ पूछना था तुमसे। तुमसे? Do we know each other? Okay, no. I'm sorry, my bad. आपसे पूछना था, ये होटल की सारी बुकिंग्स, I guess, आपने की हैं। Well, तुम्हारी शक्ल देखकर तो यकीन नहीं था, पर अब यकीन हो गया है कि तुम वाकई यहाँ काम नहीं करते। That's why that question. Anyway, ये सारी बुकिंग मेरे स्टाफ के लिए है, जो हमेशा मेरे साथ ट्रैवल करते हैं और मेरे साथ रहते हैं। Where are you from? That doesn't matter. मेरा बिजनेस हर जगह है, पर जिस जगह में मैं रहती हूँ वो जगह दूर है, बहुत दूर। एंड आई एम हियर फॉर अ पर्पस। बाकी बातें बाद में, गॉट गो। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, आपसे कुछ बात पूछनी थी। गो अहेड। वी आर हैविंग अ पार्टी टुनाइट, लाइक टू जॉइन? सोचूंगी। बेटा, तुम लोग तैयार हो गई? वहां सारे गेस्ट आ चुके हैं। पापा, थैंक यू सो मच पापा। क्यों? वो अब इस ड्रेस के लिए, ये प्रथम का फेवरेट कलर है। चाचा,
आपको याद है ना आपने क्या कहा था? अगर एक बार आप इस शादी के लिए मान गए फिर आप इसके खिलाफ नहीं जा पाएंगे। यार मुंशी, तू मेरा पुराना दोस्त है, इसलिए तुझसे जो भी बात करूंगा सीधी सीधी बात करूंगा। ले, एंडी जी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में क्या किया है सबको पता है। दो दो शादियां की है, बल्कि एक औरत से तो शादी तक नहीं की। ऐसे में ऐसा लगता है कि उनका बेटा कहीं बाप की तरह। बिल्कुल नहीं है, वो एंडी साहब का बेटा जरूर है, लेकिन उसमें सुमित्रा जी का भी खून है। अब बाप ने जो किया सो किया, लेकिन यार बेटे दोनों बहुत अच्छे हैं, और बड़े बेटे माहिर का तो जवाब ही है। ये बात और है कि वो शादी नहीं करना चाहता। माहिर के बारे में सब पता है मुझे, पर इस यूवी के बारे में। हाँ, नहीं जानता है ना, तो जो मैं कह रहा हूँ मान ले। मैं तो तैयार हूँ मुंशी चाचा। बेला, हाँ पापा, मुझे आपकी बातों पे पूरा यकीन है, लेकिन अब आप भी अपनी बेटी के प्यार पे यकीन करिए ना। सुहानी का प्रथम के लिए प्यार एकदम सच्चा है चाचा। बेटा, अब ये सुहानी बीच में कहाँ से आ गई? मैं कर रही हूँ ना ये शादी आपके कहने पे, अब आप मेरे कहने पे सुहानी और प्रथम की शादी करवा दीजिए ना। बेटा, ये हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि वो पोलोमी का बेटा है, सुमित्रा जी की सौतन का। अरे चाचा, यूवी जी तो प्रथम को अपने सगे भाइयों जैसे मानते हैं, और जब उन्होंने कोई फर्क नहीं किया तो हम क्यों फर्क करें भला? एक मिनट पापा, इन्होंने अभी कहा था ना कि बाप चाहे जो मर्जी करे, जरूरी थोड़ी कि बेटा भी वैसे ही हो। तो बस ठीक है ना, ये रूल प्रथम जी पे भी लागू होना चाहिए ना, बस आप बाप की जगह माँ कर दो। चलो जल्दी से हाँ कर दीजिए, वादा करो कि शादी करवाओगे, और अब ये वादा करो कि आज के बाद आप कभी भी सुहानी और प्रथम के रिश्ते के खिलाफ नहीं जाएंगे। वादा करो, याद है ना आपको? हाँ हाँ बाबा, सब याद आया। पता नहीं मैं तुझसे बहस ही क्यों करता हूँ। अब आप जाइए, हमें तैयार होना है। एक मिनट चाचा, ऐसे तो नहीं जा पाएंगे आप मुंह लटका के? दुल्हन के पापा है आप, कोई मजाक चल रहा है क्या? सीना तान के, बन ठन के, मूंछों को ताव देख, बाल बाल सेट करिए ना जरा। अरे शैतान कहेगी। अच्छा तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच बेला, तूने आखिर पापा को मना ही लिया ना। मुझे जेन्युइनली लगता है प्रथम अच्छा लड़का है। छह महीने बीत गए, पर अब वक्त आ गया है कहानी के दूसरे भाग का, उन सब के हिसाब का। वो घड़ी जिसका इंतजार था आ गई है, फैसले की घड़ी, आखिरी फैसले की। You're looking so handsome. Hey son, same pinch. Hi John. Kitne handsome lag rahe ho. Thank you. से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। आ, लेट्स गो एंड मीट मॉम। कम। बात कर लूं मैं मॉम के पास। हाँ। चल। ओए होए। यार बहना, तेरी फ्रेंड तो बड़ी टंच लग रही है आज यार। पता नहीं क्या गलत कर रही है। तुम्हारे स्टूपिड से दो से शादी करी है। लकी है वो, इस घर में रिश्ता जोड़ रहा है उसका। छल्ले से प्रथम के आसपास घूमती रहती है। तो माहिर को बताती ना, इस घर पे राज करती। You're looking so hot. वैसे इन कपड़ों में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। I was just thinking कि बगैर कपड़ों। I was just
Just kidding. Just give me a moment. Bela, Bela, Bela. अरे तुम्हारी क्या हुआ? शायद बेटा वो सैंडल मैं देखती हूँ. अरे नहीं बेला. अरे आप अरे बेटा रहने दो. दिखाइए ना आंटी. बेला जाने दो ना. नहीं नहीं आंटी एक सेकंड. एक बार पहनी आंटी. अरे ये पिन तो वैसे भी साड़ी में छुप जाएगी और चलने में दिक्कत नहीं है. मैं बहुत बार अपनी सैंडल रह मेरा मतलब था कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. युवराज बहुत ही लकी है कि उसकी शादी तुम जैसी लड़की से हो रही है. तुमसे बेहतर तो उसे कोई मिल ही नहीं सकती थी. ये तो मुझे नहीं पता आंटी. एक बात बताओ बेला कहाँ तक पढ़ी हो तुम? ये मत समझना मैं तुम्हें जज कर रही हूँ. बस ऐसे ही जानने के लिए पूछ रही हूँ. बीएड किया मैंने आंटी. अच्छा इतनी पढ़ाई अगर की है तो आगे कुछ करने का इरादा है क्या? हाँ हाँ आंटी मुझे ना पढ़ाने का बहुत शौक है. मुझे टीचर बनना था पर अब भी पता नहीं शादी के बाद कैसे. तुमने सुना ही होगा कुछ चीजों में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ. जैसे मैं वो सास हूँ जो चाहती है कि उसकी बेटी वही करे जो वो करना चाहती है. और बेटी इसलिए कह रही क्योंकि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी बना के रखना चाहती हूँ. बेला मैं सच में मानती हूँ कि हर औरत को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए. कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अक्सर सहारे ही बेसहारा कर जाते हैं. अब तक तो मैं शादी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि हर लड़की करती है लेकिन अब मैं इस घर में इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मेरी माँ से बहुत कुछ सीखना है. और अगर मैं माँ कह रही हूँ इसका मतलब ये है कि मैं आपको सास की तरह नहीं अपनी माँ की तरह मानूंगी. मेरी मम्मी नहीं है आंटी. आई एम श्योर आपसे मिलके वो बहुत खुश होगी. तुम भी मेरे बेटे से मिलके बहुत खुश होगी. माहिर से मिली नहीं हो ना अब तक? आओ मैं अपने बेटे से मिलवाती हूँ. यूवी का बड़ा भाई है माहिर. तुम्हें अगर यूवी से कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना माहिर से कहना. बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम सॉल्व कर देगा. मैंने सुना है उनके बारे में लेकिन कभी देखा नहीं. अपने आदर्शों की तरह कद भी ऊंचा है मेरे माहिर का. तुम उसे सूट बूट में ही देखोगी. ऑलवेज इनफॉर्मल. कभी एक जगह आराम से बैठता ही नहीं. उसका आराम भी तब होता है जब वो सोता है और वो भी सिर्फ 3 घंटे. और बाकी टाइम काम काम काम. ऑफिस फाइल्स कॉन्फ्रेंसेस यहाँ तक कि ऐसी पार्टीज में भी. अब तुम सोचोगी पार्टीज में कैसे? ब्लूटूथ. नहीं मैं स्पीकर पे अग्री नहीं कर सकता. उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो अभी. अरे आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैंने बोला ना अंदर जाके किचन में बैठिए. चाहिए माय स्पीकर. अमन मैंने अपना लास्ट स्पीकर दूँ. चलिए एक मिनट रुको. हाय हाय आराम से बैठे. आप ठीक हैं? सर ये हमारे यहाँ जो वेटर काम करता है उसकी दादी है. सो दादी तो है ना. आप आराम से बैठे. इस जैसे ना आपको अपनी कंपनी बेचनी है. मुझे आपकी कंपनी नहीं खरीदनी. आपको 36 दे रहा हूँ डिसाइड करने के लिए. आप कुछ देंगी? हाँ हाँ बेटा प्यास लगी है. ये लीजिए आराम से आराम से आराम से. मिस्टर सिन्हा या 30 seconds ओवर. ऑलराइट गुड कॉल. कंग्रेचुलेशन. थैंक यू अमन. हाँ जी आप और कुछ लेंगी? नहीं बेटा भगवान तुम्हें खुश रखे. आइंदा से रिश्तों को अगर पैसों के साथ जोड़ने की कोशिश भी की ना तो गर्दन तोड़ दूंगा. माहिर सहगल लच्छों के साथ बहुत अच्छा है लेकिन बुरों के साथ इतना बुरा है जितना तुम सोच भी नहीं सकते. तुम देखना आज भी किसी काम में ही बिजी होगा. अरे वो रहा तुम रुको मैं बुला के लाती हूँ. माहिर. जी माँ. बात सुनो. हाँ जी माँ. मैं चाहती हूँ कि तू बेला से मिल ले. अब तक तूने उसे सिर्फ तस्वीरों में देखा है ना अब मिल भी ले. इतनी प्यारी बच्ची मेरी तो उससे बातें करके मन ही नहीं भर. इसीलिए डर लगता है माहिर कहीं यूवी की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए इस लड़की के साथ. तू जानता है ना उसने नशे की हालत में तेरे डैड से अपनी बात मनवा ली थी और मुंशी भाई साहब के हाथों प्रपोजल भी भिजवा दिया था. और उस बेचारी लड़की ने ये सोच के हामी भर दी थी कि उसके डैड का कर्जा चुकता हो जाएगा. माँ
जो भी जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है ना, किसी के प्रेशर में आके नहीं कर रहा है, तो दैट्स ओके। मैं जानती हूँ माहिर, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि उसका दिल दुखे और कोई गड़बड़ हो, खास तौर से यूबी की वजह से। माहिर, यू हैव टू मेक श्योर दैट। हाँ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। मिल ले उससे। बेला, इससे मिलो। ये है मेरा बेटा माहिर, और ये मेरी होने वाली बहू बेला। वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू। यूवी कहाँ है? आप मुझे ढूंढ रही थी। वैसे आप मेरे बुलाने पे आई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो यकीन दिलाने के लिए क्या करूं, बाहर जाकर फिर से एंट्री लूं? I like your sense of humor, but this is not what I meant. मेरा मतलब था कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने बुलाया तो आना ही था। वैसे आप मुझे तुम कह सकती हैं। तो तुम मुझे तुम कहना चाहते हो? Only if you allow. Hey guys, this special number हमारे दोनों to be married couple के लिए। प्रथम सुहानी and यूवी बेला। You are getting married. काश नहीं हो रही होती और हम दोनों कहीं और मिले होते। मिलने के लिए तो ये जगह भी बुरी नहीं, एंड शादी होने वाली है, हुई नहीं है। सो योर स्टेटस सिंगल राइट? तू नज़्म नज़्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। तुम अभी भी यहीं खड़े हो? गो डांस विथ योर टू बी वाइफ। वाइफ के साथ डांस करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, बट लाइफ में तुम्हारे साथ डांस पे चांस का मौका कब मिलेगा ये नहीं पता। सो मे आई? पिंकी, मैंने ना एक मन्नत मांगी है। अब क्या करने वाली है? अपना मुंह काला। वो तो तू बहुत पहले कर। Shut up. वो नहीं बोल रही। Then? मैंने मन्नत मांगी है कि अगर आज एंडी ने इस स्टूपिड सुमित्रा के साथ डांस नहीं किया तो मैं सर से लेके पांव तक काली बन के घूमूंगी। देख, एंडी आया, एंडी आया। एंडी आ गया। ये तो उस डायन की तरफ देख रहा है। तेरी तरफ कहाँ देख रहा है? Can I have his dance, please? Wish. You're wishing too much, huh? I need a drink. Champagne, please. Wish. किसी चीज का short form है क्या? हाँ, short form है। क्योंकि अगर हम full form में आ गए ना, तो तुम जैसों का बचना मुश्किल हो जाएगा। तुम जा रही हो? या फॉर अ वॉक। आफ्टर ऑल रात का मजा अंधेरे में आता है, रोशनी में नहीं। अब
मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं दो मिनट में आता हूँ। बेला पापा वो इतनी देर से डांस कर रहे थे, थोड़ी हवा खाने चले गए। पता नहीं सब ठीक भी हो रहा है या नहीं। एकदम ठीक है सब, बस अब ज्यादा सोचा मत करो, आपको सूट नहीं करता। तारों को ताक रहा है। चांद तारों को नहीं, तारे चांद को ताक रहे हैं, और वो भी सारे के सारे। बहुत कुछ पता है तुम्हें अपने बारे में। मुझे तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ पता है। सॉरी जोकिंग। बाय द वे, ये होटल का एरिया कितना बड़ा है, कहां तक है? काफी दूर तक, वहां तक, और उसके आगे सब हमारी जमीन है। तो फिर हम यहां क्या कर रहे हैं? ये तुम कहाँ जा रही हो? कोई ऐसी जगह ढूंढ रही हूं जहां तीसरा और कोई ना हो। विश, ये क्या खेल खेल रही हो? विश, क्या था ये? उस लड़की का कुछ तो चक्कर है, बात करनी पड़ेगी। कहाँ गई? विश, विश, विश कहाँ हो तुम? विश, ये क्या खेल खेल रही हो? अरे बाहर निकलो। यहाँ क्या कर रहे हो भाई? भाई साहब, साहब उधर, साहब उधर भाई। शाब
कोई सांप नहीं है। पहले तुम खुद सांप को मारते हो, उसके बाद कहानी बनाते हो, एंड यू वांट मी टू बिलीव यू। भाई बहुत बड़ा सांप है भाई। जस्ट इनफ। तुम यहाँ क्यों आए और क्या कर रहे हो? भाई मैं वो दिस इज सो नॉट डन। लड़की को कोई जंगल में अकेले छोड़ता है, नॉट फेयर। तो ये है तुम्हारी सांप, हाँ? यू वी एक्सक्यूज मी, यू जस्ट गो बैक टू द पार्टी, लीव। नाइस। भाई को भेज दिया और खुद लड़की के साथ। देखो मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं जानती ना, इसलिए तुम्हें अपनी फितरत की एक खास बात बताता हूं। जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनके साथ मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन बुरे लोगों के साथ बहुत बुरा। मिस्टर, मैं भी तुम्हारी तरह अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बुरी हूं। वैसे एक और खासियत है मेरे फितरत की, मैं वो काम जरूर करती हूं जो कोई मुझसे कहता है कि मैं ये नहीं कर सकती। फाइन, मैं भी देखता हूं कि तुम क्या करती हो। 6 दिन, सिर्फ 6 दिन बचे युवी की शादी को। अभी भी कह रहा हूं, जितना हो सके ना उतना दूर चली जाओ इस शादी से। मैं शादी से दूर ही रहती हूं, मुझे इस सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे अगर मेरा किसी में इंटरेस्ट आता है ना तो आसानी से जाता नहीं। रियली चाहू ना तो तुम्हें अभी सबक सिखा सकता हूं, लेकिन शुक्र मनाओ कि तुम लड़की हो, सिर्फ इसलिए बच गई। बच तो तुम गए, शुक्र तुम मनाओ कि मेरी नजर पहले तुम पर नहीं पड़ी, वरना तुम्हारा बचना तो नामुमकिन था। One whiskey, please. Wish, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। Good for you. मुझे पता है तुम वो नहीं हो जो दिखती हो। मतलब? मैंने देखा था जंगल में क्या हुआ। क्या? क्या देखा था तुमने? अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को ना बताऊं कि मैंने क्या देखा। Please, किसी को? मेरी चुप्पी की कीमत है। एक रात तुम्हारे साथ, आज। I'll wait for you in my room. पंडित जी, पूजा शुरू करें। आप सभी मंडप के समीप आ जाएं, सगाई की विधि प्रारंभ करते हैं। आइए। ओए, करण कहाँ है? दारू पी के पड़ा होगा कहीं। प्लीज किसी को कुछ मत बताना। वहां एंगेजमेंट चल रही है और यहां स्वागत। Thank you.
करण वापस आ गई हूं मैं अपना बदला लेने। एक तो गया, 9 और बाकी हैं, वो भी जाएंगे, सब जाएंगे।